नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं NLM के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन मूविंग टूवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन a = g। मतलब इस a की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है बेटा, g। आगे बोला गया द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज l, है ना। ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ दी है हमको वो दे रखा है l। आगे बोला गया कि ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक, मतलब ये एल डिस्प्लेसमेंट करना है इंक्लाइन पर। ठीक, तो क्या कंडीशन होगी या फिर क्या टाइम लगेगा ये निकालना अपने को, टाइम की वैल्यू। ठीक, तो कैसे करें बेटा कि अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए तो मेरा काम बनेगा। अगर मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करें, सिंपल सा देखो भाई, ये एड एच बोला मैंने इसको। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन कर चुके हैं कि यहां पर ऐसे अगर कोई अपने पास ब्लॉक है, उस ब्लॉक की बात करें तो आगे की तरफ अगर ये वेज ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसमें पीछे की तरफ इस तरीके से एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। स्यूडो फोर्स कितना होगा बेटा यहाँ पे, एम ए, है ना। मतलब ए की वैल्यू जी है तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एम जी पीछे की तरफ, और इस तरह इधर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका, एम जी साइन थीटा, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं, और यहाँ पर ये जो होगा वो एम जी होगा। ठीक, तो इस एम जी का इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये एंगल अगर 30 है तो क्या बेटा ये एंगल भी 30 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई आपका, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी कॉस, एम जी कॉस 30 डिग्री ऊपर। ठीक, तो नेट बात करें तो एम ए डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस 30 डिग्री माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, है ना। ये थीटा की वैल्यू 30 है अपने पास। ठीक, तो सिंपल से अपने को समझ में आया भाई कि एम एम तो कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा बेटा, जी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी बेटा अपने पास √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये बना अपने पास एक्सेलरेशन इन अलोंग द वेज, वो हो जाएगा जी बाई टू रूट में √3 - 1। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, क्लियर। अब आगे देखो, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे एल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं बेटा, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की जगह ए डैश आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है बेटा इसकी, 0 है। एल एस की जगह आएगा एल, तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, हाफ ए डैश की जगह अपने ए डैश निकाल लिया यहाँ पे, जी बाई टू √3 - 1 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या वैल्यू बनी बेटा मेरी यहाँ पे, सिंपल सा भाई, एल की टी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी मेरे पास कि 4L/g और बाई ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको √3 - 1 और पूरे का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, और टाइम आएगा इन सेकेंड। तो ये अपना हो गया आंसर, है ना। इससे क्या मिला भाई अपने को, यहां से अपने को मिला टाइम की वैल्यू कि कितना टाइम लगेगा इसको ऐसे ऊपर जाने में, है ना। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन भी मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर अपन ने जो ये फोर्स वाला जो टर्म बनाई है, इस टर्म में अपन फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अपना काम हो जाएगा, अपने को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, मजेदार क्वेश्चन बोर्ड लेवल से लेके एडवांस तक के। ठीक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।